राहुल गांधी ने जीएसटी को एक बार फिर गब्बर सिंह टैक्स बताया है। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समान कर व्यवस्था के लिए जीएसटी में ढांचागत बदलाव होने जरूरी है। कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई और कहा कि राहुल गांधी गरीब विरोधी बातें कर रहे हैं। गुजरात के चुनावी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद में जीएसटी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सियासी हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने जीएसटी की तुलना एक बार फिर गब्बर सिंह टैक्स से करते हुए कई सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो बदलाव किए गए हैं वो सही हैं, लेकिन अभी भी ये ढांचागत बदलाव नहीं है। ऐसे में जीएसटी के लिए एक समान कर व्यवस्था की मांग करते हुए राहुल गांधी ने तर्क दिया कि जब तक ये नहीं होगा तब तक जीएसटी सही नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक टैक्स की वकालत करती रही है, जीएसटी में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी पर दबाव डाला और 28% से काफी आइटम उन्होंने 18% मिला दिए, मगर हम अभी खुश नहीं हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ये भी कहा कि हम अभी रुकेंगे नहीं, हिंदुस्तान को 5 अलग अलग टैक्स नहीं चाहिए, एक टैक्स चाहिए, जीएसटी में ढांचागत बदलाव होने चाहिए। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी गरीब विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। अगर एक ही समान कर व्यवस्था होगी तो इससे गरीब और जो अमीर है उनके बीच के लेकर जो टैक्स दरें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और गरीबों को भी वही टैक्स भरना पड़ेगा जो कि अमीरों को। लिहाजा बीजेपी ने इस लड़ाई को गरीब वर्सेज अमीरी से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए। दरअसल गुजरात में चुनाव से पहले जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों में बदलाव किया, इसको गुजरात चुनाव में यहां पर नफे नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी लगातार यहां जीएसटी की दरों को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे और यही वजह है कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि गरीब हितैषी कदम उठाते हुए सरकार ने बदलाव किए हैं, लेकिन कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि ये बदलाव वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, बात सियासत की है, लिहाजा क्रेडिट लेने को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में होड़ दिखाई देती है।